सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। तो आइए बच्चों, अब हम ऑनलाइन क्लासेस का आरंभ करते हैं। बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य के पाठ 4 पहली चूक का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। बच्चों, इस कहानी के लेखक प्रसिद्ध व्यंगकार और कथाकार श्री लाल शुक्ल जी हैं। बच्चों, लेखक ने इस कहानी में भारत देश के गांव के महत्व का वर्णन किया है। इस कहानी के द्वारा लेखक ये बताने का प्रयास करते हैं कि अधिकांश लोग शहर में निवास करते हैं और वो गांव के जीवन से परिचित नहीं हैं। शहरी लोग गांवों के जीवन और वहां की कठिनाइयों को नहीं जानते हैं। उनके जीवन को बस उन्होंने पुस्तकों में पढ़ा है या फिर फिल्मों में देखा है। तो आइए बच्चों, अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। पाठ 4 पहली चूक। उत्तम खेती मध्यम बान, अधम चाकरी भीख निधान। ये कहावत मैं पहले कई बार सुन चुका था। अब हुआ ये कि बीए पास करने के बाद मुझे अधम चाकरी मिली ही नहीं, इसलिए उसे भीख निदान समझकर मैंने खेती के उत्तम व्यवसाय में हाथ लगाना चाहा और अपने गांव चला गया। बच्चों, इस भाग में लेखक ने ये बताया है कि लेखक बीए पास करने के बाद भी उनको अच्छी चाकरी अर्थात नौकरी नहीं मिली, जिसके कारण उन्होंने सोचा कि शहर में रहकर भीख मांगने से अच्छा है कि मैं अपने गांव चला जाऊं और वहां खेती बाड़ी करूं। अब हम आगे का अध्ययन करते हैं। मेरे चचा ने मुझे समझाया कि खेती का काम है तो बड़ा उत्तम, पर फारसी पढ़ के जिस प्रकार तेल नहीं बेचा जा सकता, वैसे ही अंग्रेजी पढ़कर खेत नहीं जोते जा सकते। इस पर मैंने उन्हें बताया कि यह सब कुदरत का खेल है, क्योंकि फारस में तेल बेचने वाले संस्कृत नहीं बोलते, खेत जोतते हैं। चचा बोले, बेटा, ये खेती का पेशा तुमसे नहीं चलेगा, ये तो हम जैसे जाहिलों के लिए है। इसमें तो दिन रात पानी और पसीना, मिट्टी और गोबर से खेलना पड़ता है। लेखक ने इस भाग में ये बताया है कि जब वो अपने गाँव पहुंचे तो वहां उनके चाचा रहते थे। उन्होंने अपने चाचा से खेती बाड़ी सीखने का प्रस्ताव रखा तो चाचा ने कहा कि बेटा, तुम इतने पढ़े लिखे हो, तुमसे खेती का काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि खेती करना सरल नहीं है, वो बहुत कठिन काम है और इसमें दिनों रात परिश्रम करना पड़ता है, खून पसीना बहाना पड़ता है, तभी जाके हम खेती बाड़ी कर सकते हैं। आगे का अध्ययन करते हैं। इस पर मैंने जवाब दिया कि ये शरीर ही मिट्टी का बना हुआ है और गोबर तो परम पवित्र वस्तु है। मिट्टी का स्थान यदि पंचभूत में है तो गोबर का स्थान पंचगव्य में है। अर्थात इसमें लेखक ने बताया है, लेखक बता रहे हैं कि शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ है, जो 5 तत्वों से मिलकर बनता है। उसी प्रकार से गोबर में भी पंचगव्य होते हैं, अर्थात गाय से प्राप्त 5 वस्तुएं दूध, दही, घी, गोमूत्र और गोबर। मेरे मुंह से पवित्रता की बात सुनते ही चचा दंग रह गए। आसपास बैठे हुए लोगों में धन्य है का नारा लग गया। तब मैंने फिर कहना शुरू किया, और चचा, ये खेती जाहिलों का पेशा नहीं है, बड़े बड़ों ने इसकी प्रशंसा की है। कार्लाइन ने इस पर लेख लिखे हैं, टॉलस्टॉय तो स्वयं किसान ही हो गया था, वोल्टेयर खुद बागवानी करता था, ग्लैडरसन लकड़ी चीरता था, अपने देश में तो गौतम बुद्ध जैसे ऋषि गेहूं बोते थे। वैसे तो कंद मूल फल खाने के कारण उनकी दिलचस्पी हॉर्टिकल्चर में थी और वे ज्यादातर फल और शकरकंद ही पैदा करते थे, इसलिए खेती को उत्तम मानना ही चाहिए। मैं कल से खेती करूंगा, मेरा यही फैसला है। जो कहानी के इस भाग में लेखक ने ये बताया है कि वो अपने चाचा को कई लोगों का वास्ता देके बता रहे हैं कि बहुत से जो प्रसिद्ध लोग हैं उन्होंने भी खेती बाड़ी का काम किया है, और खेती बाड़ी एक बहुत ही महत्वपूर्ण
है, इसी के द्वारा हमको भोजन और खाने पीने की चीजें प्राप्त होती हैं। और लेखक कहते हैं कि मैं अब ये फैसला ले रहा हूं कि मैं कल से खेती करूंगा। मेरे चाचा मेरी बात से प्रभावित तो हुए पर बोले, बेटा खेती करोगे पर इतना समझ लो कि खेतों के आसपास ना तो कॉफी हाउस होते हैं ना क्लब, सिनेमा घरों की गद्देदार कुर्सियों की जगह अरहर की ठूंटियों का पर घूमना फिरना होता है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि मुझे सिनेमा का बड़ा शौक है, वो इसलिए कि सिनेमा खेती की उन्नति का एक अच्छा साधन है। सिनेमा द्वारा खेती का बड़ा प्रचार हुआ है, बड़े बड़े हीरो खेत जोतते जाते हैं और गाते जाते हैं, हीरोइन खेत पर टोकरी में रोटी लेकर आती हैं, हरी भरी फसल में आंख मिचौली का खेल होता है, फसल काटते समय हीरोइन के साथ बहुत सी लड़कियां नाचती हैं और गाती भी हैं, वे नाचती जाती हैं और फसल अपने आप कट जाती है। ऐसे ही मधुर दृश्यों को देखकर पढ़े लिखे आदमी गांवों में आने लगते हैं और खेतों का चक्कर काटने लगते हैं। इस प्रकार सिनेमा द्वारा खेती की शिक्षा मिलती है। सच पूछिए तो खेती करने की सच्ची शिक्षा मुझे भी सिनेमा ही से मिली थी। बच्चों, इस भाग में लेखक ने बताया है कि उनके चाचा कह रहे हैं कि बेटा यहाँ पे शहर के मुताबिक कॉफी हाउस या क्लब नहीं है, ना ही सिनेमा घर है। यहाँ पे अगर आपको खेती बाड़ी करनी है तो आपको यहाँ अरहर की ठूंठों पर घूमना पड़ेगा। तो लेखक बताते हैं कि उन्हें सिनेमा देखने का बहुत शौक था, जिसके कारण वो जब सिनेमा देखने जाते थे तो उन्होंने कई कृषि से संबंधित दृश्यों को सिनेमा या पिक्चरों में देखा था, जिससे वो प्रभावित होकर गांव में खेती बाड़ी करने के लिए आ गए। आगे का अध्ययन करते हैं। दूसरे दिन चाचा ने मुझे खेतों पर जाकर काम करने के लिए कहा। मैंने पूछा, खेत कहाँ पर हैं? उन्होंने कहा, गांव के दक्षिण की ओर रमेसर की बगिया के आगे से गलियारा जाता है, गलियारे से पश्चिम एक राह फूटती है, राह से उत्तर की ओर एक मेड़ जाती है, मेड़ के पूरब गन्ने का एक खेत है, गन्ने के खेत के पास बाजरा खड़ा है, वहीं अपने खेत जोते जा रहे हैं, तुम वहीं जाकर काम देखो। मैं चल पड़ा। कुवार का महीना था, आसमान पर हल्के हल्के बादल थे, ताड़ और खजूर के पेड़ हिल हिल कर एक दूसरे के गले मिल रहे थे, सब कुछ सिनेमा जैसा लग रहा था। तभी आगे एक कुआं दिख पड़ा। सिनेमा में हीरोइन कुएं पर पानी भरती हैं और हीरो खेत की ओर जाते हुए उससे बातें करता है। मैंने रुक कर सीटी बजाई पर कुआं सुनसान था, किसी की पायल नहीं छनकी, ना कोई घड़ा फूटा। बच्चों, इस भाग में लेखक ने बताया है कि उन्होंने अपने चाचा से खेत में जाने का रास्ता पूछा और चाचा ने उनको खेत में जाने का रास्ता बताया। जब वो खेत जाने के लिए चल पड़े तो उन्हें रास्ते में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाई दिया। ताड़ और खजूर के पेड़ हवा के कारण हिल रहे थे और ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो एक दूसरे के से गले मिल रहे हैं। उनको सिनेमा जैसा माहौल दिखाई दे रहा था। उन्होंने सोचा कि जिस प्रकार से सिनेमा में कुएं के आसपास हीरोइनें नाचती गाती हैं, उसी प्रकार शायद उस गांव के कुएं के आसपास भी कोई ना कोई होगा, परंतु उन्हें वहां कोई ना दिखाई पड़ा। बच्चों, अब इस पाठ का अध्ययन हम आगे के भाग में करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।